नमस्कार दोस्तों, ऐसे काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनका पेनिस का साइज़ छोटा है और वो पेनिस एनलार्जमेंट सर्जरी कराना चाहते हैं। मैं डॉक्टर आशीष सबवाल, यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट और रोबोटिक सर्जन, न्यू दिल्ली इंडिया से, आज आपको एक ऐसे ही पेशेंट के ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा जिनका स्मॉल पेनिस था और उन्होंने पेनिस एनलार्जमेंट सर्जरी कराई। तो देखिए, ये जब पेशेंट मेरे पास आया, इसकी एज 30 ईयर्स थी और अभी उसके फादर उसको मैरिज के लिए बोल रहे थे। वो शादी करने से घबरा रहा था, उसको कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि उसका पेनिस का साइज़ छोटा था। तो वो मेरे पास आया, उसने बोला कि सर, मेरा पेनाइल इम्प्लांट कर दीजिए, मेरे को अपना पेनिस का साइज़ इंक्रीज़ करना है। तो मैंने उससे उसकी इरेक्शंस के बारे में पूछा। जब मैंने उससे इरेक्शंस के बारे में पूछा तो उसकी इरेक्शंस बिल्कुल नॉर्मल थी, उसको सिर्फ साइज़ की ही प्रॉब्लम थी। तो मैंने उसको समझाया कि साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए इम्प्लांट सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, आपकी इरेक्शंस नॉर्मल हैं तो आपको इम्प्लांट सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम पेनिस एनलार्जमेंट सर्जरी करके पेनिस का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। उससे फ्लैसिड लेंथ बढ़ेगी, जो नॉर्मल लेंथ होती है वो बढ़ेगी, इरेक्ट लेंथ जो है वो जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। तो उसने बोला कि मेरे को फ्लैसिड लेंथ से ही प्रॉब्लम है, इरेक्शन के बाद मेरा लेंथ ठीक आता है। तो जब मैंने उसको एग्जामिन किया, वो काफ़ी फैटी था। उसका जो सुप्रापिक फैट थी, जो पेनिस के ऊपर वाला एरिया था, उसके अंदर जो फैट थी वो बहुत ज़्यादा थी। उस एक्स्ट्रा फैट की वजह से पेनिस पूरा अंदर की तरफ धंसा हुआ था, बाहर कुछ पेनिस आ ही नहीं रहा था। तो मैंने उसको समझाया कि आपकी साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए हम एक तो सुप्रापिक लाइपोसक्शन करेंगे, जिससे सुप्रापिक एरिया की फैट निकाल देंगे, साथ में सस्पेंसरी लिगामेंट रिलीज़ करेंगे जिससे पेनिस की लेंथ इंक्रीज़ हुए, और तीसरी चीज़, हम जो फैट निकालेंगे उसको पेनिस के अंदर डाल देंगे जिससे कि पेनिस का साइज़ मोटा हो जाए, गर्थ इंक्रीज़ हो जाए। आइए मैं आपको समझाता हूँ मैंने उसको क्या बताया। तो देखिए, ये आपका पेट है और यहाँ से पेनिस बाहर निकल रही है, यहाँ पे टेस्टिस है। तो वो पेशेंट का पेट के साथ यहाँ पे पूरे एरिया में फैट थी, ये सुप्रापुबिक फैट है। तो इस फैट की वजह से पेनिस का साइज छोटा हो रहा था, जबकि पेनिस का साइज पूरा यहां से लेके यहां तक होना चाहिए, लेकिन ये फैट आ रही थी तो आधा से ज्यादा पेनिस फैट से ही कवर था। तो हमने बोला कि हम लाइपोसेक्शन करके इस फैट को निकाल देंगे। उसके साथ हमने इसका सस्पेंसरी लिगामेंट रिलीज़ किया। सस्पेंसरी लिगामेंट रिलीज़ का क्या मतलब होता है कि आप देखिए, जो पेनिस होती है जितनी बाहर होती है उतनी अंदर भी होती है। तो आप लगा लीजिए, ये पूरी पेनिस है, ये वाला पार्ट बाहर का है और ये अंदर का है। तो ये जो पेनिस होती है, यहाँ पे एक बोन होती है, प्यूबिक बोन जैसे बोलते हैं, इसके इससे लटकी होती है, यहाँ पे एक लिगामेंट होता है, इसको सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। तो इसकी वजह से पेनिस ऊपर की तरफ होती है। तो अगर हम इस लिगामेंट को कट कर देंगे, इस लिगामेंट को कट करने से क्या होएगा, ये पेनिस स्ट्रेट हो जाएगा, थोड़ा सा जो अंदर वाला पार्ट है वो बाहर आ जाता है। तो आप देख लीजिए, अगर इसकी अभी लेंथ ये है तो लिगामेंट कट करने के बाद ये पेनिस सीधा हो जाता है और इसकी लेंथ ये हो जाएगी। तो ये जो लेंथ इंक्रीज़ होती है, ये करीब 1 से 1.5 इंच इंक्रीज़ होती है और ये फ्लैसिड लेंथ इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा पेनिस को मोटा करने के लिए जो ये सारी फैट निकालेंगे, वो पेनिस की स्किन के नीचे हम डाल देते हैं। तो फाइनली जो पेनिस का साइज ऐसे था, जब इसके अंदर फैट आ जाएगी तो ये थोड़ा मोटा हो जाता है। ये जो गर्थ इंक्रीज़ होती है, ये भी करीब 1 से 1.5 इंच इंक्रीज़ होती है फैट इंजेक्शन से, और ये जो गर्थ इंक्रीज़ होती है, ये फ्लैसिड और इरेक्ट टाइम दोनों के टाइम पे गर्थ इंक्रीज़ होती है। तो फैट इंजेक्शन से गर्थ इंक्रीज़ हो गई। तो हमने बेसिकली पेशेंट के 3 प्रोसीजर करे, एक तो सुप्रापुबिक लाइपोसक्शन किया, एक ये सस्पेंसरी लिगामेंट को कट किया, सस्पेंसरी लिगामेंट रिलीज जैसे कहते हैं, और एक ये फैट इंजेक्शन किया। और अगर आप इनका लाइव वीडियो देखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली हमने क्या किया था और फाइनल रिजल्ट क्या आया, तो आप इस लिंक को क्लिक करिए, इसमें इनका लाइव वीडियो दिखेगा।
अगर आपको भी स्मॉल पेनिस की प्रॉब्लम है या एक्सेसिव ओबिजिटी है, फैट है, जिसकी वजह से आप लाइपोसक्शन कराना चाहते हैं या पेनिस एनलार्जमेंट सर्जरी कराना चाहते हैं, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।